उसी के घर में लगभग रात के 2-2:30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा घर के पीछे से कूद के उनकी दो बहनें आई हुई थीं, उनका गहना, उनकी माताजी का गहना, उनकी चाची का गहना, लगभग 4 से 5 लाख के करीब का गहना चोरी हुआ। अब हम ताला काट के ये घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, किन कारणों से आ रही हैं ये जानकारी हो पाए? इसमें जो घटनाएं हो रही हैं हमारे क्षेत्र में, इसमें नशा का बोलबाला हो गया है, नशे के लिए चोर इसमें चोरियां कर रहे हैं, जो कि हमारे क्षेत्र में इसमें भारी मात्रा में बिक रहा है। इसमें आप ग्राम कचना ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि हैं और प्रधान संघ के अध्यक्ष भी आप, तो इस बात को लेकर क्या अभी आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज या SDM कचना या थाना अध्यक्ष महोदय से इन सब चीज़ों को वार्ता की, बातचीत की कि इस तरीके की घटनाएं जो आ रही हैं, जो है नशीले पदार्थ बिक रही है या चोरी की घटनाएं, छिनौती और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं आए दिन कचना के आसपास के इलाके में पाई जा रही, इसके बारे में क्या बातचीत की? एक बार इंस्पेक्टर साहब से हमारी वार्तालाप हुई थी। इंस्पेक्टर साहब ने एक दो लोग स्नैकियों को पकड़े थे, भारी मात्रा स्नैक था, उनके खिलाफ कार्रवाई किए थे, लेकिन उसके बाद फिर इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई कि उनका क्या हुआ। एक करछना गांव में जहां मुख्यालय से मात्र महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके की घटना सामने आई, घर में जो है दूसरे तल से कूद करके आना एक बड़ी बात होती है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही गलत और निंदनीय घटना है, इसके लिए अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। विधायक जी से आपकी जो है वार्ता हुई, क्या विधायक जी ने कुछ कहा इस बात विषय में? उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आए थे और देख के गए हैं, उन्होंने समय मांगा है। आपका पूरा परिचय अवतार किशन सिंह एडवोकेट प्रधान प्रतिनिधि कक्ष में।